नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यन्दु मंडल, मेरा यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को स्वागत करता हूँ। मैं कल के लिए मतलब 24 सितंबर 2019 के लिए मैंने निफ्टी और बैंक निफ्टी का डायरेक्शन बताने का कोशिश कर रहा हूँ। तो मैंने ये निफ्टी फ्यूचर्स का मैंने चार्ट ओपन किया है। तो ये देखिए, आज ये गैप अप ओपनिंग हुआ था, 400 से 500 में ओपन हुआ था ऑलमोस्ट। तो ये जो ओपन हुआ है उसके बाद ये 682 तक हाई मारा था, 681। तो ये अभी इस ये जो जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये आपको इधर दिखाता हूँ। ये जो रेजिस्टेंस है, इस रेजिस्टेंस जोन पे अभी ये इस रेजिस्टेंस को ये इस रेजिस्टेंस में था, इस रेजिस्टेंस को नीचे वाला रेजिस्टेंस को इस रेजिस्टेंस को ये तोड़ा था। तो लास्ट में शायद प्रॉफिट बुकिंग के लिए ये थोड़ा सा नीचे आके क्लोज दिया। तो ये जो रेजिस्टेंस है 7770 या 777 जो भी पकड़े, तो इसको जब तोड़ेगा तो ये सीधा ये इस लेवल पे आ जाएगा, 10975 10012000 का लेवल तक आ सकता है। और हम लोग नीचे पकड़ेंगे तो देखिए, ये इसका फर्स्ट रेजिस्टेंस लेवल, फर्स्ट सपोर्ट लेवल 503-500 में हो सकता है। उसके बाद ये इधर सपोर्ट ले सकता है, 11127-11000 में सपोर्ट ले सकता है। उसके बाद ये फिर से 10980 ऐसा हो सकता है, लेकिन ऐसा होने का चांस बहुत ही कम है। तो मैंने इसका ऑप्शन चेन देखूंगा तो निफ्टी का निफ्टी का जो पीसीआर लेवल है ये ऑलमोस्ट 1.5 के ऊपर चला गया, 1.6 है, 1.58। तो इसके लिए थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्टेड हो सकता है, कॉन्ट्रैक्टेड के वजह से निफ्टी थोड़ा सा पुल बैक हो सकता है। लेकिन इधर जो इनप्लाइड वोलेटिलिटी है कल साइड में, ये बहुत ही अच्छा है। इस हम लोग 25 से 30 तक वो 30 के ऊपर मतलब इस इम्प्लाइड वोलेटिलिटी बहुत ही अच्छा होता है। तो इसका शायद ये मोमेंटम, अपवर्ड मोमेंटम, ये इट विल कीप अप इस अपवर्ड मोमेंटम। आई थिंक इधर हेवी पुट साइड में हेवी शॉर्ट बिल्डअप हुआ है, हो सकता है कुछ शॉर्ट कवरिंग हो, इसके वजह से कुछ पुल बैक हो सकता है 500 तक। लेकिन ये इस एक्सपायरी में ये अप ट्रेंड में ही लगता है। और इसका प्रोबेबिलिटी मैंने कैलकुलेशन किया है, ये 3 डेज का एक्सपायरी इसका हिसाब से, तो ये 11500 के जाने का प्रोबेबिलिटी 34.01 और 11700 के आसपास जो प्रोबेबिलिटी है ये 35, मतलब अप ट्रेंड में है। आप लोग इधर से बैंक निफ्टी का भी चेक कर सकता है, बैंक निफ्टी का करेंट प्राइस 30566 और जो 30,000 में इसका सपोर्ट है और 31,000 में इसका रेजिस्टेंस है। इधर जाने का पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, इधर कम है, मतलब इसका बैंक निफ्टी का भी अप ट्रेंड में है। ये इधर देखिए, इसका रेजिस्टेंस 11700 में ये जो है इसका ओपन इंटरेस्ट सबसे ज़्यादा है, तो 11700 में इसका रेजिस्टेंस पकड़ा मैंने। और देखिए 11500 में इसका ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा है, तो 11500 में इसका सपोर्ट है, तो 11500 तक आ सकता है। लेकिन फिर भी ये अपवर्ड मोमेंटम इसका जारी हो रख सकता है, जारी रखने का प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। और बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट एनालिसिस करूँगा तो देखिए ऑलमोस्ट ऐसा ही ये सेम पैटर्न बना रहा है बैंक निफ्टी और बैंक निफ्टी। तो इधर बैंक निफ्टी इधर देखिए फिर आज गैप अप ओपन हुआ है, इधर बैंक निफ्टी फ्यूचर 30734 हाई मारा था, उसके बाद थोड़ा सा नीचे आके क्लोज दिया है